आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं ऑडियो टोन कंपनी के AD411 का। इसकी स्पेसिफिकेशन इधर दी गई है, 441 का है, 411 नहीं, 441, मतलब 450 मॉडल है ये, और ज़्यादा कुछ नहीं, भले मॉडल कुछ भी करे। डायफ्राम कॉइल का साइज और वाट तो वही है, 60 वाट का ही है, लगभग 700, 750 या 800 जगह के हिसाब से ये मिल जाएगा आपको रेट में। मेन ट्रांसपोर्टिंग हर जगह का अलग अलग है, इसलिए रेट ऊपर नीचे हो सकता है। और इसमें MRP भी नहीं दी गई है, उसके पन्नी में भी ऑडियो टोन लिखा है। सामने से कुछ दिखा देता हूँ, 8 ओम्स का ये AD441 मॉडल है, और ये मैग्नेट, और इसकी चूड़ी हर फ्लेयर में लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं वायरिंग कर लेता हूँ पहले, एकदम आसान है वायरिंग, कोई दिक्कत नहीं, प्रेस करना है और वायर लगाना है। अब वैसी वायर मैं एम्पलीफायर से भी कनेक्ट कर दूंगा फटाफट, क्योंकि ये 8 ओम्स का, इसलिए कॉमन और 8 में लगेगा, फटाफट लगा देता हूँ। और ये 8 में लगाते हैं, अभी लग चुका है तो चला के देख लेते हैं कि कैसे आवाज आ रही है। इसको ऐसे चलाना सुरक्षित नहीं है, इसलिए D450 नेटवर्क लगाएंगे हम इसके साथ। ये कोई कंपनी का नहीं है, फिर भी ठीक ठाक ही है, अच्छा है। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये तकरीबन 500 रुपये में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। D450 मॉडल है ये, C450 ट्विटर के लिए ही बना है। ये पन्नी निकाल लेता हूँ और आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। ये जो HF लिखा हुआ ट्विटर लगेगा, इन में जो एम्पलीफायर कनेक्ट होगा, 8 ओम्स का है ये। अब इसको भी फटाफट वायर कनेक्ट कर देता हूँ, फटाफट वायर कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैं ये एम्पलीफायर का कनेक्ट कर दिया मैंने, अब मैं ट्विटर के लिए कनेक्ट कर रहा हूँ। ये लगभग हो गया। अब ट्विटर को भी इस वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, प्रेस करके डालना है, सब जगह वही है, प्रेस करके डालना है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि नेटवर्क लगाने के बाद वाला आवाज़ आपको अच्छा लगा या पहले वाला आवाज़ ज़्यादा अच्छा था। तो अब इसको चला के देख लेते हैं, शुरू करते हैं।